जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाबलीपुरम के स्मारकों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों महाबलीपुरम या मामल्लपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है। यह मंदिरों का शहर राज्य की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए गए हैं। पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित थे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं महाबलीपुरम के उन स्थानों के बारे में जो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे महाबलीपुरम के रथ मंदिर की। यह स्थान सबसे विशाल नक्काशी के लिए लोकप्रिय है। यह 27 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है। इस व्हेल मछली के पीठ के आकार की विशाल शिलाखंड पर ईश्वर, मानव, पशुओं और पक्षियों की आकृतियां उकेरी गई हैं। अर्जुन्स पेनेंस को मात्र महाबलीपुरम या तमिलनाडु के ही नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव माना जाता है। समुद्र तट का मंदिर यहाँ का दूसरा आकर्षण है। महाबलीपुरम के तट मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में जाना जाता है, जिसका संबंध 8वीं शताब्दी से है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यहाँ 3 मंदिर हैं। बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसके दोनों तरफ से शिव मंदिर हैं। मंदिर से टकराती सागर की लहरें एक अनोखा दृश्य उपस्थित करती हैं। इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। प्रारंभ में इस शहर को मामल्लपुरम कहा जाता था। दोस्तों महाबलीपुरम में एक और आकर्षण का केंद्र है रथ। महाबलीपुरम के लोकप्रिय रथ दक्षिण सिरे पर स्थित हैं। महाभारत के 5 पांडवों के नाम पर इन रथों को पांडव रथ कहा जाता है। 5 में से 4 रथों को एकल चट्टान पर उकेरा गया है। द्रौपदी और अर्जुन रथ वर्ग के आकार का है, जबकि भीम रथ रेखीय आकार में है। धर्मराज रथ सबसे ऊंचा है। इसमें द्रौपदी के 5 रथ मंदिर हैं, क्योंकि उनके 5 पति थे, इसलिए उनके 5 रथ मंदिर हुए। दोस्तों यहाँ का अगला आकर्षण है कृष्ण मंडपम। यह मंदिर महाबलीपुरम के प्रारंभिक पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिरों में एक है। मंदिर की दीवारों पर ग्रामीण जीवन की झलक देखी जा सकती है। एक चित्र में भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाए दिखाया गया है। दोस्तों अगला जो यहाँ का आकर्षण है वो है क्रोकोडाइल बैंक। महाबलीपुरम में 14 किलोमीटर दूर चेन्नई महाबलीपुरम रोड पर क्रोकोडाइल बैंक स्थित है। इसे 1976 में अमेरिका के रोमुलस विटेकर ने स्थापित किया था। स्थापना के 15 साल बाद यहाँ मगरमच्छों की संख्या 15 से 5000 हो गई थी। इसके नज़दीक ही सांपों का एक फार्म है। दोस्तों यहाँ की गुफाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। वराह गुफा विष्णु के वराह और वामन अवतार के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही पल्लव के 4 मननशील द्वारपालों के पैनल लिए होने के कारण भी ये गुफा चर्चित है। 7वीं शताब्दी की महिषासुर मर्दिनी गुफा भी पैनल पर नक्काशियों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। अगला है दोस्तों महाबलीपुरम का मूर्ति संग्रहालय भी बहुत प्रसिद्ध है। राजा स्ट्रीट के पूर्व में स्थित इस संग्रहालय में स्थानीय कलाकारों की 3000 से अधिक मूर्तियां देखी जा सकती हैं। संग्रहालय में रखी मूर्तियां पीपल, रोड़ी, लकड़ी और सीमेंट की बनी हैं। दोस्तों महाबलीपुरम से 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है मुट्टुकाडू, जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए लोकप्रिय है। यहाँ नौकायन, केनोइंग, कायकिंग और विंड सर्फिंग जैसी जल क्रीड़ाओं का आनंद लिया जा सकता है। अगला स्थान यहाँ पर प्रसिद्ध है कोवलोंग। महाबलीपुरम से 19 किलोमीटर दूर कोवलोंग का खूबसूरत बीच रिजॉर्ट स्थित है। इस शांत फिशिंग विलेज में एक किले के अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ तैराकी, विंड सर्फिंग और वाटर स्पोर्ट्स की तमाम सुविधाएँ उपलब्ध हैं। महाबलीपुरम में हर साल एक नृत्य पर्व भी होता है। यह नृत्य पर्व सामान्यतः जनवरी या फरवरी माह में मनाया जाता है। भारत के जाने माने नृत्यकार शोर मंदिर के निकट अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। पर्व में बजने वाले वाद्य यंत्र का संगीत और समुद्र की लहरों का प्राकृतिक संगीत की एक अनोखी आभा यहां देखने को मिलती है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपको बताया महाबलीपुरम के बारे में।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।